आई ऑल्सो जस्ट टेक अ मिनट टू से दिस, मतलब मुझे लगता है यार काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका चैनल पे। और ये वीडियो AFMC का पार्ट 4 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 3 तीन पार्ट कवर कर रखा है, जहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात कर रखी है, विच इवन इंक्लूड्स द मेडिकल, कि क्या मेडिकल क्राइटेरिया हैं। तो यू कैन जस्ट गो इन द प्लेलिस्ट एंड आप उसमें देख सकते हो, मैंने AFMC का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने तीन ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, चौथा वीडियो है, और दो तीन और वीडियोज़ में इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर दूंगा। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, दूसरा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और तीसरा कि व्हाट आर द रिजर्वेशंस इन AFMC इफ एनी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन, कि सबसे पहला क्या है मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले दोस्तों आपको नीट के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको नीट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी के बाद आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाते हो। आई मीन आई नो इट्स वेरी ऑब्वियस, बट बताना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको MCC के साइट पे जाना है, जहाँ से हम बेसिकली काउंसलिंग करते हैं, उस साइट पे जाना है, और वहाँ से जाके आपको AFMC के लिए ऑप्ट कर लेना है, कि या आई हैव टू कम इन AFMC, आपको AFMC का के लिए ऑप्ट करना है। वहाँ पे एक DGHS करके आता है साइट पे, वहाँ से जाके आपको AFMC के लिए चूज कर लेना है, कि हाँ भाई मुझे AFMC के लिए जाना है। और जो साइट चाहिए MCC का साइट है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाल दूंगा, तो आप उसका बुकमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में काम आने वाला है आपके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द लास्ट डेट, जब लास्ट डेट की कब तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, ये लोग एक लिस्ट रिलीज करेंगे। लिस्ट कौन सी रिलीज करेंगे, पहले कहाँ करेंगे, सेम साइट, एक तो मैंने आपको MCC का साइट बता दिया, दो और साइट है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि पर्टिकुलरली AFMC के लिए ही है, तो आपको वहाँ पे भी दिख जाएंगी, एक लिस्ट निकाली जाती है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 1600 स्टूडेंट्स होते हैं, 1600, जिसमें कि 1150 बॉयज होते हैं एंड 450 आर गर्ल्स, ये रेशियो होती है नॉर्मली। और ये लिस्ट निकाली जाती है, उसमें से बताया जाता है कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। तो उसके बाद क्या, ये जो आखिरी दिन था रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद इस लिस्ट को निकाला जाता है। फिर क्या होता है, उसके बाद एग्जैक्ट शेड्यूल, कि कब आ रहे हैं, कब कहाँ आना है, ये सारी चीज़ों को आपको उस लिस्ट के अंदर ही बता दिया जाता है, कि कैसे कैसे आना है, और ये भी आपको उस साइट्स पे बताई जाएंगी जो मैंने आपको अभी तक बताया, ठीक है। और मैं आपको वो दोनों ही साइट्स MCC के साथ साथ AFMC के जो दो साइट्स है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक और बात इंपॉर्टेंट ये होती है, कि जिस दिन ये बताते हैं कि आपको कमेंसमेंट है जिस दिन का, उस दिन के आप डेट को चेंज नहीं करवा सकते हो, एक्सेप्ट इन यू नो वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, जो कि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो आई डोंट नो व्हाट आर एक्सट्रीम कंडीशंस, बट बी प्रिपेयर्ड, ऑलमोस्ट कि 90% चांसेस है कि वो डेट को चेंज नहीं करेंगे। तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि आप कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। नाउ लेट्स टॉक ऑफ द प्रोसीजर, कि क्या होता है जब आप वहाँ जाते हो। तो द मोमेंट आप जाओगे जिस दिन, उस दिन आपके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है टॉयलर का। तो टॉयलर क्या है, टॉयलर है दोस्तों टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन लॉजिक एंड रीजनिंग, इसको टॉयलर का नाम दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में टॉयलर कहते हैं इसको। इस एग्जाम को लिखना पड़ता है, इसमें बेसिकली क्या है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के होते हैं, एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग, हाफ मार्क्स नेगेटिव होता है उसमें, अगर आपने गलत कर दिया क्वेश्चन। तो इसमें आपको 80 मार्क्स में कुछ मार्क्स आते हैं। फिर क्या किया जाता है, 720 मार्क्स में से आपके जितने नीट में आए हैं, प्लस इस 80 मार्क्स में से जितने जो आप स्कोर करते हो टॉयलर के, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो 800 मार्क्स में से आपको आपका नीट का मार्क्स प्लस इस टॉयलर का मार्क्स इंक्लूड कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब 800 को 4 से करोगे तो 200 आएगा, तो 800 टोटल स्कोर हुआ, 7 नीट का टोटल स्कोर प्लस टॉयलर का टोटल स्कोर, दैट इज 80। तो 720 प्लस 80 इज 800 डिवाइड बाई 4 इज 200, एंड योर स्कोर आउट ऑफ नीट प्लस योर स्कोर इन टॉयलर, इन दोनों को मिला के उसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो मार्क्स आता है उस हिसाब से निकालते हैं, टॉप स्टूडेंट्स को उठा लेंगे और दे विल बी कॉल्ड अप, ठीक है, होता है। ये तो बेसिक टॉयलर का एग्जाम हो, उसके अलावा और एग्जाम्स भी होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले होता है उसके बाद पैट का एग्जाम। पैट क्या है, पैट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, जिसको नहीं पता है मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। तो ये उसके बाद अगर मैं बात करूं, इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में अगर आपको पता ना हो तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कि इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इस क्वेश्चंस को आउट नहीं करते हैं, और मुझे पता है क्या क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं, पर मैंने ये चीज़ यूट्यूब से ही देखा है, तो मैं उन लोगों का क्रेडिट्स नहीं लेना चाहूँगा जिन्होंने अपियर किया एग्जाम को और फिर उन्होंने बताया कि क्या आता है। बट अगर मैं जाता हूँ AFMC के लिए और इंटरव्यू बुलाया जाता हूँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा मुझसे क्या पूछा गया, पर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि क्या पूछा जाता है नॉर्मली, तो आपको बता देंगे। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अपने बारे में बताइए, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब एक जनरल क्वेश्चन है, और कुछ और जो आपको स्पेशली लोग बताएंगे जो गए थे इंटरव्यू में, तो आप देख सकते हैं उसको। उसके अलावा
मेडिकल लास्ट दिन टेस्टिंग होती है, जब मैंने बहुत पहले ही बताया था, जब मैंने एक वीडियो रिलीज कर रखी ऑलरेडी, आई थिंक पार्ट टू है, जिसमें मैंने मेडिकल की बात की है, और मैंने बता रखा कि मेडिकल का टेस्ट लोग आखिरी दिन करते हैं। क्या होता है मेडिकल में, क्या क्या क्राइटेरिया है, सबको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल्स में बात डिस्कस किया है पार्ट टू के वीडियो में। तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट पार्ट, अगर आपको मेडिकल के बारे में एकदम डिटेलली जानना है कि कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद जो टॉयलेट का एग्जाम मैंने आपको बताया, जो 800 से 200 हो जाता है, और आउट ऑफ जो आपको मार्क्स आते हैं हिसाब से आपको एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। पैट का जो एग्जाम है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ वहाँ क्वालिफाई कर जाना है दिखाने के लिए कि आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो कि आपको AFMC के अंदर लाया जाए, क्योंकि AFMC इज वॉट आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आप किसी भी 3 आर्म फोर्सेज में से एक में जा सकते हो। तो यू मस्ट बी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग कि हाँ यार, मतलब मेंटली साइकोलॉजिकली यू मस्ट बी स्ट्रांग कि आप वहाँ जाके फेस कर पाओ उन एडवर्सिटीज को जो कि वहाँ फेस करते हैं वो। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में क्या होता है, जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं आउट ऑफ द 1600, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी 145 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, जिसमें से 115 लड़के होते हैं और 30 लड़कियां होती है, 115 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, ये रेशियो है। यानी आप सोच लो 145 आउट ऑफ द 1600, मतलब बेसिकली 10% भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, उससे भी कम सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ह्यूज कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, जहाँ हमने बात की कि क्या प्रोसीजर है। वेल, इस एडमिशन प्रोसीजर के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में, पर दिस वाज द बेसिक लेवल विच वाज रिक्वायर्ड इन दिस पार्ट। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर का। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप मतलब फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे तो काम नहीं चलेगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए जो आपको लेके जानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको नीट 2021 का एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ता है, प्लस आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे NCC की, स्पोर्ट्स की, अगर आपने कभी स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल कहीं पे भी खेला है, आपको उसका लेके जाना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी है तो आपको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उसको वो को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह उन सबका मार्क्स ऐड करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में चीजें पूछेंगे ना कि यार आपने पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया है, क्योंकि आप, मैं फिर वही बात आ गई कि आप आर्म फोर्सेस में जाके भी एक ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूट हो रहे हो, तो यू मस्ट बी, यू नो, आई मीन आप उतने क्वालिफाइड होने चाहिए, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, उतने क्वालिफाइड आप होने चाहिए कि यार आप एक ऑफिसर जैसे लगो वहाँ पे, ठीक है। ऑफिसर की एक पर्सनैलिटी होती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिनको पता नहीं है, माय फादर वाज इन एयरफोर्स, ठीक है, वो एक एक्स सर्विस मैन है और मैं एयरफोर्स में रह चुका हूं, और मेरे पापा एयरफोर्स में थे और काफ़ी लंबे टाइम थे, उन्होंने 20 ईयर्स की सर्विस दे रखी है फौज में, तो मैं था वहां पे, मैंने देखी हुई है। स्पेशली अगर मुझे कहीं मन करता है AFMC में जाने का, तो यही रीज़न है कि मतलब वो जो ब्लू ड्रेस होती है ना एयरफोर्स की, स्पेशली दैट आई लाइक अलॉट। और दिक्कत ये कि मेरे पापा की ड्रेस मुझे अंटती नहीं है, मैं थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो ड्रेस मुझे छोटा होता है थोड़ा, तो इसलिए मुझे कई कई मन करता है कि यार AFMC जाऊँ, पर मैं क्यों नहीं जाता, इसका भी रीज़न है जो कि मैं आने वाले एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, कि अगर आपको नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए। यू कैन जस्ट स्टे ट्यून्ड। आई ऑल्सो जस्ट टेक अ मिनट टू से दिस, मतलब मुझे लगता है यार काफ़ी सेल्फिश जैसा होगा, पर प्लीज़ जस्ट बेयर विथ मी। क्या बात है कि यार देखो, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, इसके लिए पहले मुझे साइट पर जाके पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करना पड़ता है। यार आपको लगा कि यार ठीक है, पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा, मुश्किल से आधे घंटे, और ये लिस्ट बनाया मैंने, आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी लिस्ट है, पर मुझे इसको काफ़ी फिल्टर करके लिखना पड़ता ताकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊँ। उसके अलावा मैं जाके मतलब से इस वीडियो को इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर उसको लैपटॉप में इंपोर्ट करता हूँ, वहाँ जाके इसको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाता हूँ, वहाँ जाके फिर मैं अलग अलग एडिटिंग करता हूँ। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ कि अगर मुझे एक मिनट किसी वीडियो को एडिट करना पड़ता है ना, कम से कम मुझे आधे घंटे से 40 मिनट लगती है उस वीडियो को प्रॉपर्ली एडिट करने में, क्योंकि काफ़ी सारा प्रोसीजर है। अगर किसी ने एडिट किया तो जानता होगा कहाँ से ट्रांजिशन हो रही है, कौन से सेकंड से हो रही है, उस सेकंड को हमने जो ऑडियो वगैरह थी उसे सिंक किया नहीं, कि वीडियो में किस तरीके से वो चल रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर करना पड़ता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो इफ़ यू जस्ट कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड इफ़ यू सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ यार, मैंने मेहनत की तो वहीं सफल हुआ। आप वो भी छोड़ दो, आप सब्सक्राइब मत करो, आप लाइक मत करो, प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ भाई कुछ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता जाएगा कि यार मैंने किसी की हेल्प की इतनी मेहनत के बाद, एटलीस्ट किसी के तो काम में आया है वीडियो। तो दैट वॉज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू ऑल दीज ब्लैबरिंग्स इफ यू फाइंड इट सच, पर ये यार इमोशन थे, मैं सोचा बता दूँ आपको। तो ये चीज़ें आपको लेके चलनी चाहिए, कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दी वो, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके अलावा जब ये चीज़ें हो जाती है तो 2 मेरिट लिस्ट निकाली जाती हैं, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए, और उन दोनों में अगर आपका नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड। जिन बच्चों का नाम नहीं है उनका नाम एक और लिस्ट निकाली जाती है, जिसको वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। उस वेटिंग लिस्ट में भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मान लिया कि मैं गया इंटरव्यू के लिए, मैंने मतलब मैं आई हैव क्वालिफाइड एवरीथिंग, और मेरा नाम आ गया लिस्ट में, बट आई कुड नॉट और आई डिड नॉट,
ऑप्ट फॉर AFMC, मतलब मैं गया तो, पर मैंने सोचा कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है AFMC में कंसिडरिंग मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, और उसे मैंने नहीं लिया। तो क्योंकि मैं सिलेक्टेड लिस्ट में था तो नीचे कुछ बच्चों को कंसिडर किया जाता है जो कि वेटिंग लिस्ट में, तो अगर मैं हट गया तो नीचे से बच्चों को उठाने लग जाएंगे, ठीक है ये आ जाए ये आ जाए। तो ये मतलब वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, और इसके लिए मतलब उसमें लिखा हुआ था कि देयर इज ऑर्डर ऑफ ऑन द ऑर्डर ऑफ DGAFMS यानी डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज एंड द एडमिशन सेल, जो एडमिशन सेल है वहाँ पे। उसके बाद जब आप MBBS कर लेते हो आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज AFMC से, उसके बाद आपको 7 ईयर्स की कंपलसरी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है आर्म फोर्सेज में, इट कैन बी एनी ऑफ देम। मतलब फिर अब प्रायोरिटी लिस्ट निकलती है कि यार आप मान लिया आपने एयरफोर्स लिखा और काफी सारे बच्चों ने एयरफोर्स ही डाल दिया, तो जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको एयरफोर्स मिलेगा, उसके बाद आपने जो सेकंड प्रेफरेंस डाला होगा वो मिलेगा, फिर थर्ड डाला होगा वो मिलेगा इनकेस आप लास्ट में आते हो। तो ये है, और 7 ईयर्स की कंपलसरी सर्विस है। अगर आप आपको नहीं करना है तो आपको एक बॉन्ड दिया जाता है, ठीक है, बॉन्ड का अमाउंट होता है 61 लाख रुपीज, यू हैव टू पे देयर, और उसके बाद ही आप बॉन्ड को ब्रेक करके जा सकते हो। तो इन्होंने पहले बहुत कम हुआ था, पहले 15 लाख होता था, फिर आई गेस इन्होंने 30 किया था, और अब रिसेंटली इन्होंने 61 कर दिया। मतलब ये कर दिया कि यार तुम जाओ ही मत जाओ, क्योंकि लोग चले जाते हैं छोड़ के, मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन होता है, बट नॉर्मली लोग MBBS करने का चले जाते हैं। AFMC एज अ कॉलेज इज नॉट एट ऑल यू नो बैड, बट उसके बाद ये जो आफ्टर सर्विस की जो बॉन्ड्स है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए लोग नॉर्मली AFMC को सिलेक्ट नहीं करते हैं। दैट्स द बिगेस्ट रीजन, देयर आर फ्यू मोर रीजन व्हिच आई विल बी टॉकिंग अबाउट, बट दैट्स द बिगेस्ट ऑफ ऑल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। नाउ द लास्ट पॉइंट वुड बी रिजर्वेशन, कि क्या क्या रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो गाइस अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन AFMC में होता है, ठीक है, दैट्स द ट्रूथ। किसी ने मुझे बताया था कि नहीं होता, बट ऐसा नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली जब इनका पढ़ा ब्रोशर तो मुझे पता चला कि यहाँ पे होता है। तो सबसे पहली बात जो बहुत बेसिक क्राइटेरिया की, क्वालिफाई तो हर किसी को करना पड़ता है, तो क्वालिफाई सबको ही करते हैं। अगर उसके बाद अगर आप SC ST हो और आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद अगर आप बिलो 5 यानी आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको बुला लिया गया, तो उसके बाद जो आपकी रैंकिंग लिस्ट निकलती है, अगर आप उसमें बिलो 500 आते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, यानी SC ST होने पे 500 के बिलो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये बिलो 500 का रैंक प्रोविजनल है, यानी अगर 150 के अबव यानी 145 रैंक के अबव 500 के बिलो, मान लिया 10 से ज़्यादा SC ST के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो सबसे पास में आएगा, जैसे मान लिया कि किसी का जैसे मान लिया कोई 150 है, फिर 200 है, 250, 260, 270, 280 ऐसे करते ही कंप्लीट हो गया, किसी का 490 है पर वो टॉप मतलब 10 सीट्स में नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ 10 ही सीट्स रिजर्व होते हैं SC ST के लिए, तो फिर उनको नहीं कैंसिल किया जाएगा। पर नॉर्मली ऐसा होता है कि जितने लोग मतलब बिलो 500 होते हैं उनको ले लिया जाता है SC ST की कैटेगरी में ले लेते हैं। इनकेस कोई SC ST का स्टूडेंट 150 के बिलो है, ठीक है, यानी 115 फॉर बॉयज एंड 30 फॉर गर्ल्स, अगर उसके बिलो आता है तो फिर क्या होता है कि उसको जनरल यानी अनरिजर्व की कैटेगरी पे लेके चला जाता है, नॉट जनरल, अनरिजर्व की जो कैटेगरी चलती है उसी में लिया जाता है, और उसके ऊपर वाले के जो वो हैं क्योंकि उनको SC ST में लिया जाता है, वेरी ऑब्वियस, मतलब 10 सीट्स ही SC ST के लिए हो तब तो फिर अलग ही बात हो जाएगी। तो 150 के बिलो तो सब कोई अनरिजर्व नहीं है, चाहे वो SC ST जनरल OBC कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर ही जाके रिजर्वेशन की क्राइटेरिया शुरू होते हैं। तो और अगर ऐसा होता है, मान लिया कि आप 150 के बिलो आते हैं, तो आपको एक मतलब यूँ कह लो कि एक अग्रीमेंट साइन करनी पड़ती है कि आपने ऑन द लाइन ऑफ जनरल ही इसको ऑप्ट किया AFMC को, यानी मान लिया अगर आप 150 की बिलो आते हो, क्योंकि SC ST का जहां तक मुझे आइडिया, आई डोंट क्लियरली नो, बट जहां तक मुझे आइडिया है MBBS के अंदर भी पासिंग वगैरह में वो होता है, गवर्नमेंट सीट के लिए इनको रिजर्वेशन दी जाती हैं, आई डो नॉट क्लियरली नो, बट जहां तक मुझे आइडिया है, तो इसीलिए शायद ये लोग कंसिडर करते हैं कि अगर आपने बिलो 150 आप आए और आपको सिलेक्ट किया गया है ऑन अ जनरल लाइन, तो आपको भविष्य में जब आप एग्जाम दोगे PG वगैरह का, तो भी आपको जनरल लाइन पे लिखना पड़ेगा एग्जाम, और अगर आप SC ST की लाइन पर रहो तो आपको रिजर्वेशन कंटिन्यू किया जाएगा MBBS में भी। तो दिस वॉज द ओवरऑल ऑफ द वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बींग हियर। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ शाउट आउट देना चाहूँगा, मेरे एक फ्रेंड हैं हेमंत, उनको, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी मैं अपने वीडियो में उनको शाउट आउट दूँ, तो शाउट आउट टू हेमंत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो गाइस। पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यू नो यूजफुल इन एनी वेज, इफ़ येस जस्ट कंसिडर लाइकिंग। बस यार ज़्यादा कुछ नहीं कहना, कमेंट जरूर करना कि यार काम आया नहीं आया, लाइक करो ना करो, क्योंकि कमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, आई वुड एंड अप हियर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री राम।